पुलिस सेवा में चुनौतियां कभी खत्म नहीं होती, पुलिस बल को हमेशा मुकाबले में डटकर खड़े रहना तथा कर्तव्य की वेदी पर स्वयं को अर्पित करना ही होता है। समाज तथा जनमानस में पुलिस की यूनिफॉर्म को देखकर सुरक्षा और विश्वास का भाव जागृत होना चाहिए। आपको उनके विश्वास को सही साबित करना है, उन्हें सुरक्षा प्रदान करना है। आपकी दक्षता और कर्तव्यप्रायणता ही किसी पीड़ित की पीड़ा को कम कर सकती है, उसके चेहरे पर मुस्कान ला सकती है। एक संवेदनशील पुलिस अधिकारी के लिए शीर्ष आयामों की कोई कमी नहीं है। यदि वह चाहे तो अपने आचरण से जनमानस की कसौटियों पर खड़ा उतरते हुए अपने कर्तव्य निष्ठा तथा ईमानदारी से उदाहरण प्रस्तुत कर सकता है। किसी भी प्रदेश में सुशासन की नींव, अपराधों की रोकथाम और कानून व्यवस्था की स्थापना से मजबूत होती है। यह तभी संभव हो सकता है जब प्रदेश में उत्तरदायी पुलिसिंग व्यवस्था और व्यावसायिक रूप से दक्ष संवेदनशील पुलिस बल हो। सुदृढ़ कानून व्यवस्था हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। इसके लिए हमारी सरकार की अपराध एवं अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है। पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए वर्तमान में हमारी सरकार ने अनेक रिफॉर्म किए हैं, पुलिस का आधुनिकीकरण किया है। पिछले 7 वर्ष में पुलिस बल में नई भर्तियों को लेकर के संसाधनों की उपलब्धता में अपार वृद्धि हुई है। प्रदेश सरकार द्वारा पुलिस को सुदृढ़ करने के लिए 1,60,000 से अधिक पुलिस कार्मिकों की भर्ती भी की गई है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में 60,200 से अधिक पदों पर चयन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए लिखित परीक्षा सफलतापूर्वक सकुशल संपन्न की गई। पिछले 7 वर्षों के दौरान पुलिस प्रशिक्षण की क्षमता को भी 3 गुना से अधिक बढ़ाने में सफलता प्राप्त हुई है। मिशन शक्ति के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण के लिए लखनऊ, गोरखपुर तथा बदायूं में महिला पीएसी बटालियन की स्थापना का कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ा है। उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा किए गए इन रिफॉर्म और आधुनिकीकरण के इस अभियान का ही हिस्सा है कि पिछले 7-7.5 वर्ष में उत्तर प्रदेश के अंदर कोई दंगा नहीं हुआ। पर्व और त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए हैं, कहीं भी कोई अराजकता और गुंडागर्दी नहीं। बल्कि आज यही उत्तर प्रदेश सुशासन के एक मॉडल के रूप में अगर देश के अंदर देखा जा रहा है तो इसमें एक बड़ी भूमिका उत्तर प्रदेश के हमारे बहादुर जवानों के द्वारा निष्ठा से की गई सेवा का परिणाम है। आज रूल ऑफ लॉ के माध्यम से उत्तर प्रदेश ने अपने प्रसिद्ध को बदलने में सफलता प्राप्त की है और मुझे प्रसन्नता है कि लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस बल इस दिशा में कार्य कर रहा है। आज जब 74 नए पुलिस उपाधीक्षक उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनने जा रहे हैं,
स्वाभाविक रूप से जो हम लोगों ने एक प्रदेश के अंदर पुलिस बल का स्टैंडर्ड तय किया है कि हर हाल में लगभग 20% इसमें पुलिस कार्मिक हो, और मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन से सेलेक्शन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद स्वतःस्फूर्त भाव के साथ इसमें 18 डिप्टी एसपी प्रदेश की कोई न कोई बेटी बनी है, ऐसी महिलाएं भी आज इस पुलिस बल का हिस्सा बनी है। मैं विशेष रूप से उन्हें और उनके अभिभावकों का हृदय से बधाई देते हुए अभिनंदन करता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि दक्ष, न्यायप्रिय, पारदर्शी, जवाबदेहता, जनसेवा के प्रति निष्ठावान, संवेदनशील पुलिस बल की स्थापना के लिए आपका यह प्रशिक्षण अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। दीक्षांत परेड के पश्चात अब आप सबसे बड़े गौरवशाली पुलिस बल का हिस्सा बनने जा रहे हैं। एक बार पुनः आप सभी प्रशिक्षुओं और आपके परिवारजनों को मैं हृदय से बधाई देते हुए अपनी मंगलमय शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। आप सभी नव प्रशिक्षित उपाधीक्षक गण के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ कि आप उत्तर प्रदेश पुलिस बल की इस गौरवशाली परंपरा को चूर्ण बनाए रखने के लिए अपना सर्वोच्च योगदान देंगे, इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने इन सभी प्रशिक्षुओं को जो राष्ट्र सेवा, सत्य निष्ठा और कर्तव्य परायणता का मार्ग दिखाया है, उसके लिए हम सभी हृदय की गहराइयों से आपका धन्यवाद करते हैं। अब आदरणीय पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण महोदया से सादर अनुरोध है कि वह मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें।